आज छठे ऋषिकेश हरिद्वार आत्म साक्षात्कार शिविर का द्वितीय दिवस है और हम कल से प्रस्थान त्रय के स्मृति प्रस्थान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय पर श्रवण मनन निधिध्यासन करने का प्रयास कर रहे हैं। वेदांत दर्शन के तीन प्रस्थान हैं अर्थात कैनोनिकल टेक्स्ट्स मूल ग्रंथ। पहले हैं उपनिषद जिन्हें श्रुति प्रस्थान कहते हैं, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता इसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं। स्मृति प्रस्थान क्यों? श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया, वो स्मृति है, इतिहास है, और उपनिषदों को श्रुति प्रस्तुति अर्थात वेद अर्थात उपनिषद। और तीसरा जो है ब्रह्मसूत्र, उसे कहते हैं युक्ति प्रस्थान या अर्थात न्याय प्रस्थान, लॉजिकल टेक्स्ट। इन दोनों में जो वर्णित निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है उसका तत्व निर्णय अंतिम निर्णय सुनिश्चित करने का जो दायित्व है और जो कार्य हुआ है वो वादरायण रचित ब्रह्मसूत्र और जिस पर भाष्य किया सर्वप्रथम पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग ने। तो ये तीन प्रस्थान हैं अर्थात मूल ग्रंथ हैं। इन तीनों के गहन अध्ययन को कम से कम ये माना जाता है कि जो भी अद्वैत वेदांत का साधक है इन तीनों के कम से कम मूल तत्वों को जाने। तो हम तीसरे प्रस्थान दूसरे प्रस्थान जो श्रीमद् भगवद गीता है स्मृति प्रस्थान है उस पर कल से उसके सातवें अध्याय जो ज्ञान विज्ञान नामक विषयक योग है। ज्ञान का तात्पर्य परोक्ष ज्ञान किसका? ये संपूर्ण भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, यानी ब्रह्म जो सदवस्तु है अनंत ब्रह्मांड का और सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान है उसका भी ज्ञान है, उसकी विद्या है। और योग शास्त्र भी उसी अर्थ में है, जीवात्मा के परमात्मा से एकत्व की सिद्धि का जो महाविज्ञान है वह योग शास्त्र है। यह कोई प्राणायाम ध्यान प्राणायाम और योगासन का योग नहीं है, अष्टांग पतंजलि योग नहीं है, यह महायोग है। जीवात्मा के परमात्मा से एकत्व की सिद्धि कराता है, उसका दर्शन करा करके। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो ज्ञान विज्ञान नामक योग है तो इसमें पहले परोक्ष ज्ञान अर्थात दूसरे ने जाना। वैज्ञानिक जब चले गए 1959 में शायद पहली बार रशियन वैज्ञानिक जब चंद्रमा पर चले गए, हाँ चंद्रमा पर चले गए तो, लेकिन हम तो नहीं गए, हमारे पहले वैज्ञानिक राकेश शर्मा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इंडियन अब ऊपर गए जब, तो मुझे याद है मैं स्टूडेंट था तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी से अंतरिक्ष से बात हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा, हाँ राकेश शर्मा जी बताइए हमारा देश कैसे दिख रहा है अंतरिक्ष से। तो राकेश शर्मा ने जो वाणी बोली वो अमर हो गई, जीके के पुस्तकों में भी बच्चे पढ़ते हैं कि मैडम सारे जहाँ से अच्छा। ये सारे वृतांत हम मानते हैं कि सत्य है यद्यपि कि परोक्ष हैं, हमने नहीं देखा कि अंतरिक्ष में गए हैं राकेश शर्मा और अंतरिक्ष नाम की वहां कोई सत्ता में वो क्या कर रहे थे, परंतु विश्वसनीय सूत्र हैं, कोई कारण नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा निरीक्षित ये वैज्ञानिक सत्य उपकरण हुआ, लेकिन फिर भी हमारे लिए परोक्ष ज्ञान है। ये उसे ही यहां पर सातवें अध्याय में योगेश्वर कृष्ण ज्ञान कर रहे हैं कि जो शास्त्रों में वर्णित है विद्वानों द्वारा जो लिखित है वो ज्ञान तो बताऊंगा ही ब्रह्म के संबंध में, लेकिन उसकी अनुभूति द्वारा उसका विज्ञान विशिष्ट ज्ञान भी यही प्रदान करने जा रहा हूं हे अर्जुन, जिससे तुम्हारे
दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये सदा याद रखना है, शास्त्र हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अपने परम ऐश्वर्य, परम वैभव, परम आनंद स्वरूप, उस परमात्म स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष दर्शन, जिसे मोक्ष, सद्यो मुक्ति, परम पुरुषार्थ आदि आदि नामों से जाना जाता है। तो हमने अभी जो ये शिविर है छठा, उसका नाम भगवद गीता ज्ञान यज्ञ नहीं रखा है। इसमें इसके कारण है, मैं कोई भी निर्णय लेता हूं उसके पीछे बड़ा गहरा कारण होता है। पिछले माह मैंने किया था अलवर में, राजस्थान में, उसके टाइटल में दिया था मैं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ। यहां पर नहीं दिया है, यद्यपि प्रवचन कर रहा हूं भगवद गीता पर। इसका कारण क्या है ये जानना आपको आवश्यक है। हमारा लक्ष्य भगवद गीता का ज्ञान भी नहीं है। हमारा केंद्र है, हमारा अभिष्ट है, हमारी आत्यंतिक वासना कामना है सदवासना ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान क्या क्या अर्थ है? आत्मज्ञान, मेरा अपना ज्ञान, मेरे अपने आपे का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये शब्द मात्र हैं। ब्रह्म में मत पढ़ना। ब्रह्म ज्ञान अर्थात मेरे स्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अर्थात मेरी स्व की विद्या, स्व का बोध, इसे ही मोक्ष कहते हैं। और इससे ही सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन होता है। शरीर रहेगा परंतु वह जीवात्मा परमात्मा को जान करके, अनुभूत करके, वह परमात्मा हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि वो सदा ब्रह्म ही था। अनंताकाश कभी घटाकाश बना नहीं, मठाकाश बना नहीं, लेकिन उपाधि तादात्म से घटाकाश मठाकाश उस अनंताकाश को ही कर दिया। उसी प्रकार से जो शाश्वत सनातन शिव है, देहाध्यास के कारण वो जीव भाव में आ गया है, वो अजर अमर अविनाशी है। कौन वो कह रहे हैं तो अभी भी समस्या है। आज से अध्यात्म विज्ञान के एटम बम के गोले छूटेंगे, ज्ञान जल करके खाक हो जाएगा हमारा। इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूं, लक्ष्य हमारा कोई शास्त्र नहीं, हमारा विद्वता से अलंकित होना नहीं है, कुछ नहीं। मेरा लक्ष्य बस एक ही हमारा अभिष्ट है, मुझे अपने जैसे भी, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट हो, सुखी हो या दुखी हो, जैसा भी स्वरूप हो, मेरा जो आत्यंतिक द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट इंट्रोडक्शन, द अल्टीमेट नेचर ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। टू नो माई सेल्फ इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्व के ज्ञान से ही वह सद्यो मुक्ति होती है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, सुनिश्चित मत है उपनिषदों का, ऋषियों का, तत्ववेताओं का। किसी अन्य को जानकर कभी मुक्त न हो पाओगे। अगर आत्मा कुछ और है और परमात्मा कुछ और है तो तुम्हारी मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। और वास्तव में प्रत्येक मनुष्य की ये व्यवहारिक गतिविधि, कामनाएं, वासनाएं, वृत्तियों का आप अध्ययन करें तो ये प्रतिपल घटित हो रहा है। आप लाख चिल्लाते रहें आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी उपलब्धि है, ब्रह्म विद्या हो रही, आ जाओ भाग लेने, श्रवण करो, बड़ा लाभ, कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने मान रखा है कि मेरा शरीर ही आत्मा है। शरीर का पोषण करूंगा, शरीर का सेवन करूंगा, इंद्रियों का भोग करूंगा, अपने अहंकार का तांडव करूंगा। सबका नाम सुना है सबने, ऐसा नहीं है कि शायद कोई ही सनातन हो कि भगवद गीता का नाम नहीं सुना, उपनिषदों का नाम नहीं सुना। लेकिन गहराई में, अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये शास्त्र हैं, ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं होता है, गहरे में ये मान रखा है उसने।
इसलिए जब तक किसी अन्य का बोध, अन्य के ज्ञान, अन्य की प्राप्ति में लगे रहोगे और जब तक अन्य ही मिलेगा, भगवान भी तुम्हें, तुमसे, मुझसे, मैं बोल रहा हूं, उद्घोष कर रहा हूं, वह परमात्मा, वह परब्रह्म, वह परमेश्वर, वह शिव, वह राम, वह कृष्ण यदि मुझसे पर है, अगर मुझसे भिन्न है, अगर सर्वशक्तिमान भी है, सर्वव्यापी भी है, अनंत भी है, मुझे उस परमात्मा में, ब्रह्म में कोई अभिरुचि नहीं है। अद्वैत वेदांत का अस्पष्ट उद्घोष है। लेकिन वह परमेश्वर, वह परमात्मा, अनंत नामों से जाने जाने वाला वह जो परम तत्व है, सभी जीवों की अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मन रूप से वह नित्य उपलब्ध है, इसलिए किसी और को नहीं जानना है, किसी और को प्राप्त भी नहीं करना है, मुझे अपने आप को ही जानना है और अपने आप को ही प्राप्त करना है। ये सच्चिदानंद विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहा था, ये घटना, इस वाक्य की गहराई को समझाने के लिए मुझे भी विश्वास नहीं होता था। हॉस्टल में था तो इसके शरीर के जो बड़े भ्राता थे और उनके दोस्त जो लेक्चरर कॉलेज में थे, तो वहां पर आए हॉस्टल में, तो ये सेकेंड ईयर का था, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, तो विनोद में ही कुछ पूछा तो उस वक्त निकल गया, मुझे भी विश्वास नहीं होता। बोला कि, मैंने बोला कि मुझे तो अभी अपने बारे में ही पता, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। निश्चित रूप से वेदांत के अध्ययन हमने प्रारंभ किए थे उस समय से, यह घटना कुछ 45 साल से भी ज्यादा समय से हो गई। एक आम विद्यार्थी था लेकिन वेदांत से परिचय हो चुका था, रामकृष्ण मिशन वहां था, वहां से शास्त्रों का अध्ययन। तो ये प्रश्न जब उठ जाएगा और वो हंस पड़े, मुझसे 10 साल सीनियर थे, लेक्चरर थे वो लोग, अच्छा आपको ये भी पता नहीं कि आप कौन हो, ये उनका व्यंग नहीं था, उनकी कमेंट्री नहीं थी, ये 99.9% मनुष्य की यही दशा है। आप जो प्रश्न पूछते हो कि मैं कौन हूं, वो सोचते हैं गया काम से। अहंकार, अंधकार, अज्ञान का तांडव इतना गहराई से चल रहा है कि जो वास्तव में जहां मंगल है, जहां सत्य है, वो दिखता नहीं, अमंगल ही तुझे भाता है, असत ही सत लगता है। चाहे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो जाओ, कुलपति हो जाओ, नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाओ। इसलिए इस बात को बड़ी गहराई में आप ध्यान कर ले, मुझे किसी और को न जानना है, न किसी और को प्रार्थना है, क्योंकि और तो और रहेगा। अगर परमात्मा मुझसे भिन्न है, मुझसे पर है, मुझसे इतर है, तो मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति युगों युगों में संभव नहीं है। लेकिन वह परमात्मा मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है वह धन। बस समस्या इतनी है कि मैं अनभिज्ञ हूं, भ्रम है मुझे, और उस भ्रम की निवृत्ति मात्र के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, शास्त्र को जानना है, पाना नहीं है। पाखंड हमारे धर्म में अध्यात्म की तो बात ही बोलो, अध्यात्म नाम की तो कोई सत्ता शायद अब बची ही नहीं है, इतनी गहरी हो गई है कि इस देश के गुरु, नाम किसी का नहीं लेने जा रहा हूं, अधिकांश गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं, चिंता मत कर बेटे मेरे शिष्य, तूने शरणागति मेरी कर ली, मैं साक्षी रहूंगा ना, जब यमराज के साथ में रहूंगा, तेरी मुक्ति को सुनिश्चित करूंगा। वेद में, उपनिषद में, पुराण में कहीं पर भी ऐसी विकृत उद्घोषणा नहीं है जिस तरह की काला बाजारी गुरु शिष्य के बीच में घटित हो रहा है। एक भी कोई उपाय नहीं है,
कोई गुरु, सृष्टि का कोई गुरु जो शिष्य के पास है नहीं उसे दे नहीं सकता है। जो कोई गुरु तुम्हें बोले कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगा वहां, वो तो शुद्ध काला बाजारी है, शब्द दूसरा कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं सॉफ्ट लैंग्वेज में, उससे भी ज्यादा क्या, मेरी शरणागति कर ले, मेरी सेवा कर ले तो मुक्त ही है। ज्ञान दो गुरु जी, ज्ञान क्या है, गुरु सेवा करो, गुरु कृपा, ये गुरु कृपा के नाम पर माता ने कल शब्द कहा था, गुरु कृपा, रमन महर्षि बार बार कहते हैं द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड द ग्रेस ऑफ द गुरु एंड द ग्रेस ऑफ द आत्मन आर वन एंड द सेम। गुरु कृपा ही ब्रह्म कृपा है और ब्रह्म कृपा ही गुरु कृपा है और ये दोनों आत्म कृपा है। और राम को, राजकुमार राम को महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं। इसलिए गुरु कृपा दुकानदारी के लिए तुम इसका प्रयोग जो हो रहा है विशुद्ध फ्रॉड है। और जितने ऋषि हैं मनीषी हैं उपनिषदों का स्पष्ट उद्घोष है, तुम्हें गुरु ऐसा कह रहा है कि मुझे तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा, वो गुरु नहीं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा अज्ञानी और पाखंडी है जो गुरु कहता है। गुरु की भूमिका बस इतनी है कि जो ब्रह्म का पर्दा पड़ा है, ग्रंथि जो चिंजड़ बनी हुई है, शिव को जीव होने का भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति मात्र ही है गुरु की भूमिका। जो गुरु है वो शिष्य है, जो शिव है वो जीव है। और तुम बोले हो मैं तुम्हें मुक्ति, तो मुझे एक दो गुरु के बारे में नहीं बोला, स्पष्ट बोल रहा हूं। ये मेरे पर आरोप लगा कि सनातन धर्म पर, सनातन धर्म जब सड़ जाएगा तब उस पर बोलोगे, सर्जरी तो अभी करोगे ना। अनंत गुरुओं जो पंच सितारा गुरु हैं उनके शिष्यों ने कहा यहां आश्रम कि प्रभु मैंने कैसे सन्यासी मैं बन गया, जब बन गया तो पता चला उसको तो कुछ पता नहीं है, सारे कुछ भी दूर दूर तक ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष बस बोलता है मेरी सेवा की माला फिर तेरा मोक्ष हो जाएगा। मैंने समझा कि एके दुके है कहानी, जब 10 साल हो गए तो मुझे तो लगा कि तो 99% यही है, कुछ एकाध परसेंट कहीं बचे हुए हैं जो कुछ दूसरी वास्तव में भ्रम की निवृत्ति करने या कराने की बात कहते हैं, करा नहीं रहे, कहीं कुछ हो नहीं रहा, वेदांत की कोई चर्चा नहीं किसी आश्रम में हो रही है, बस 2 आश्रम है केवल यहां पर, ऋषिकेश हरिद्वार में, ऋषिकेश में जो कैलाश पीठ है और यहां हरिद्वार में साधना सदन है, तो ये पारंपरिक रूप से ये चलते संस्थान आ रहे हैं, सपोर्टेड है तो चल रहा है वहां पर, इसके अलावा तो मुझे जानकारी नहीं है, बहुत इक्के दुके इस तरह से, जहां पर कि आपको प्रमाणिक रूप से उपनिषदों के माध्यम से प्रस्थान त्रय के द्वारा आपके भ्रम की, भ्रांति की निवृत्ति, भ्रांति क्या है, भ्रांति क्या है, मैं शरीर हूं, और इसकी भ्रांति की निवृत्ति की निष्पत्ति क्या है, मैं शरीर नहीं शरीर ही हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं जीव नहीं शिव हूं, मैं नर नहीं नारायण हूं, ये शब्द अलग अलग है, एक ही, यही भ्रम है और उसी भ्रम की निवृत्ति है। तो हमने क्या दिया, ईश्वरो, अभी जो कहा मंगलाचरण, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने, मूर्ति का अर्थात देह का भेद है, ईश्वर अर्थात परमेश्वर और गुरु और मैं तीनों एक है, तत्वतः देह दृष्टि से भेद है। और ये परंपरा है, वैदिक परंपरा है, परमहंस परंपरा है, उपनिषदों का ज्ञान है, ये मोक्षदायिनी मुक्तदायिनी विद्या है जो अनादिकाल से विश्व भर में एलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे भी आए तो उसके गुरु अरस्तु ने कहा था तू दो चीज वहां से जरूर लाना बेटे जा रहा है मेरे शिष्य, एक गुरु वहां से पकड़ के लाना और थोड़ा गंगा जल लाना एक घड़े में। सोचिए 2500 साल पुरानी घटना है। वह गुरु इसलिए नहीं जाना जाता था कि उसके कितने आश्रम थे, वो गुरु इसलिए बनता था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, कौपी नवंतम खलु भाग्यवंतम, ये आदि शंकराचार्य महाभाग, केवल धन के नाम पर कौपीन मात्र है उसके पास, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, धन्य और भाग्यशाली है वह ऋषि, वह क्योंकि वह
उसने जान लिया कि ये सब मिथ्या है ही नहीं, स्वप्नवत है। भिखारी भी स्वप्न का और सम्राट भी स्वप्न का जान लिया। कौपीनवंतम खलुभा, इसीलिए अभी भी संतों क्या बोला जाता है, महाराज। राजा को महाराज नहीं बोला जाता अभी बोलने के लिए, महाराज। सम्राटों का सम्राट, इंपायर ऑफ इंपायरों की जितने भी सम्राट हैं, राष्ट्रपति हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, चाइना का डिक्टेटर है ज्यादा से ज्यादा जीवन भर के लिए, रूस का भी, पुतिन ने भी जीवन भर के लिए लगभग जैसे किया, लेकिन उसके बाद 20 साल बाद क्या होगा। लेकिन आत्मज्ञान से तुम्हें पता चल जाता है कि मैं सम्राटों का सम्राट था, हूं और रहूंगा, मेरे अतिरिक्त न कुछ था न है न रहेगा, मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं। यह बोध कराना और यह बोध करना ही ये समस्त ब्रह्म विद्या का, योग शास्त्र का अभिष्ट है। लेकिन ऐसा धर्म का धंधा चला जो जे कृष्णमूर्ति जब बार बार कहते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स बिकम द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रुथ। जो धर्म है, जो संगठित धर्म है, वह तुम्हारे सत्य के अन्वेषण और प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तुम्हारे गुरुओं के निहित स्वार्थ की पूर्ति का हथकंडा मात्र रह जाता है, उसकी जो आत्मा है वो फेंक दी जाती है। यह घटित हो रहा है, इसलिए मैं कारण ये बता रहा था कि आत्म साक्षात्कार हमारा लक्ष्य है। कोई शास्त्र नहीं है, न भगवद गीता, न उपनिषद, न वेद। आदि शंकराचार्य महाभाग बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि ये जंजाल है वासनाओं में, ये सबसे बड़ी वासना, और मेरे अंदर अभी भी ये वासना है। शास्त्र का पढ़ना जानना आवश्यक है, लेकिन इस जंजाल में मत फंसना। ये अरण्य है, ये भी वासना। तुम सरल सहज तरीके से जो उस गुरु के पास जाना, जो कम से कम समय में सरलता में उस शास्त्रों के अभितार्थ को और अभिष्ट को समझा दे, उसके बाद शास्त्र को भूल जाना। अष्टावक्र क्या बोलते हैं, हे जनक, ध्यान से सुनो इस बात की, हे जनक। इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी सोच रहे हो गुरु जी की बातें याद रखना, आठवें दिन सातवें दिन जाएंगे याद करते जाएंगे क्या क्या बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, सातवें दिन अब जाओ तो सब भूल के जाना, वह विद्या मैं बताने जा रहा हूं और मेरा लक्ष्य होगा। अगर कुछ याद करके जा रहे हो तो मैं तो असफल हो गया, आप भी असफल हो गए। तो कहते हैं अष्टावक्र, हे जनक, तुम्हारे गुरु एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएं और तुम्हें ज्ञान देने लगे, लेकिन तब तक तुम्हें आत्मज्ञान न होगा, मुक्ति न मिलेगी, जब तक एक शब्द भी तुम्हें याद है। इसकी गहराई और ऊंचाई को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। स्पष्ट उद्घोष है अष्टावक्र का। आज तक के 5 शिविर यहां पर सब अष्टावक्र गीता पर ही हुए, मैंने सोचा कि इस बार बदलते हैं, लक्ष्य वही होगा हमारा, आत्म साक्षात्कार ही। आज से मैंने सोच लिया कि ग्रंथ तो रहेगा हमारा जो लक्ष्य है। तो जब तक तुम्हें एक भी शास्त्र का शब्द याद है या किसी भी प्रकार का शब्द याद है, तब तक इसकी कोई संभावना नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु होने के बावजूद। इसका क्या तात्पर्य है, शब्द क्या क्या तात्पर्य है, मुझसे इतर कोई सत्ता और उस इतर सत्ता को बताने वाला, इंगित करने वाला शब्द, ये अज्ञान का द्योतक है। प्रारंभ में आवश्यक है, लेकिन आत्म स्थित हो गया जो सब भूल जाओ। मेरे गुरुदेव बार बार बोला करते थे उस उदाहरण को, अरे भाई जाते थे खूब, हम नहीं जानते थे लेकिन बाद में खुद, हाँ हम खूब पलेन से लोग ले जाते थे, भगत लोग मुंबई और कलकत्ता सब। तो बोले कि अरे भाई यहां से तो देहरादून हमको ले जाते थे, मोटर कार से ले जाते थे, वहां से पलेन से ले जाते थे, फिर भगत गाड़ी से। तो पलेन को तो उठा करके नहीं ले जाएंगे ना, पलेन को भी छोड़ाएंगे, गाड़ी को भी छोड़ दिया वहां पर। नदी पार करनी है तो पैसा देंगे मलाह को और नौका पर चढ़ेंगे, लेकिन अब पार हो गए तो क्या अपने कंधे पर लाद के उस नौका को ले जाओगे। शास्त्र साधन है और शास्त्र का ज्ञान भी साधन मात्र है। हमारी सिद्धि क्या है,
हमारा अभिष्ट क्या है? अपने स्वरूप को जानना, आत्म साक्षात्कार। तो यहां पर इसीलिए चुनाव किया है मैंने सातवें अध्याय का और तेरहवें अध्याय कि अगर भगवद गीता में तत्काल आत्म साक्षात्कार साक्षा आपकी आत्मा का जो दर्शन कराने की क्षमता कहीं है तो इन दो अध्यायों में है। अनुभूति यही और अभी करनी है। तो शास्त्र की कोई बात याद रहे ना रहे, आप इस दृढ़ संकल्प के साथ श्रवण करें कि मुझे अपने आप को जानना है। अब थोड़ी सी अगर ईमानदारी बरतें और पुरुषार्थ आप दिखाएं तो एक तरह से देखो, मुझे अपनी पत्नी को अगर जानना है, मुझे अपनी संतान को जानना है, मुझे अपने माता पिता, अरे मेरी माँ तो सोच रही होगी कि उस बेटे को वो धन दे दें, पिता तो वो मैं कैसे जानूं, संदेह करते हैं, पुत्र वधु, माता जी तो कुछ ऐसी सोच रही हैं, आपको नहीं बड़े बेटे को लिख, मेरे पास कोई उपाय नहीं कि उनको जान पाऊं। लेकिन जो हमारे सबसे करीबी है, मेरा मेरी संतान है, मेरी कोख से निकला है, माता के कोख से, जिसे वो भी उसके मन की जान पाता है क्या? अगर किसी को नित्य जाना जा रहा है या जाना जा सकता है सदा सदा के लिए, वो सिर्फ मैं हूं। इसको सोचो, इससे ज्यादा क्रांति समस्त वेदांत का यही अभिष्ट है। इसीलिए कहते हैं कि वो नित्य प्राप्त भी है, नित्य ज्ञात भी है। वो कौन है? मैं कब अज्ञात था, मैं से कब अनभिज्ञ थे, और मैं कब अप्राप्त था। मेरी पत्नी भी युग युग से उसके प्रेम में पड़ा था, युद्ध करने के लिए तैयार था, परिवार छोड़ने को तैयार था, मेरी प्रेयसी पत्नी, लेकिन शादी हो गई तो 2 घंटा 4 घंटा भोग किया, आनंद लिया, 5 घंटा 10 घंटा ज्यादा ज्यादा एक रात तो 2 रात, उसके बाद तो बिछड़ेगी। मेरी संतान जो अपनी कोख में पाला, माने इतने प्रेम से 40-45 साल की उम्र में बड़े किसी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, मान लो कि संतान हुई तो कितनी विवल हो रही है, कोई रानी हो, उत्तराधिकारी ही नहीं। ये स्वामी विवेकानंद ने किया था, खेतरी के महाराज को आशीर्वाद दिया था तो अंत में संतान हुई थी, तो कितनी प्रसन्नता हुई होगी। लेकिन वह संतान भी जिसके लिए तड़प रही थी, तड़प रही वह माँ, उसकी डिलीवरी के बाद आप देखे होंगे हॉस्पिटल में भी जाते हैं, उसके 2-4 घंटे बाद इतनी गहरी नींद में चली जाती है, उस गहरी नींद में वो संतान कहाँ जाती है उस माँ की, मर गई संतान, मर गई। लेकिन जो न मरा न मर सकता है, नित्य उपलब्ध रहेगा, नित्य प्राप्त रहेगा, वो तत्व मैं हूं। मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान सब मुझसे इतर हैं, परे हैं, वो प्राप्त प्राप्त शब्द मात्र हैं, लेकिन मैं एकमात्र नित्य प्राप्त और नित्य ज्ञात वस्तु हूं। मेरे अतिरिक्त कोई भी नित्य प्राप्त नित्य ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं। इससे इतर की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। यह संपूर्ण अद्वैत वेदांत का निष्कर्ष आपको बता दिया कि हमारा ध्यान रहे किसी और को जानने में नहीं, किसी ग्रंथ को रटने में नहीं, उसकी उपयोगिता जरूर है, लेकिन हमारा परम लक्ष्य है स्व को जानना। और जब स्व चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि इससे आसान क्या है, सृष्टि में इससे आसान कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एकमात्र वह तत्व हूं, वह वस्तु हूं कि नित्य ज्ञात भी हूं। मेरा मैं हूं और मैं हूं इसका मुझे बोध है, यह सचित हो गया, और मेरा होना आनंदमय, मेरे को जानने का आनंद है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता। यह सचिदानंद यहां सिद्ध तत्व है, सत्चित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा, मेरे अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है, ये महावैज्ञानिक सिद्धि यहां पर हो रही है। लेकिन अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण भीख मांग रहा हूं,
कहते हैं अष्टावक्र, हे जनक, तेरा बंधन बस इतना ही है कि तुझे जीने की इच्छा है। इसकी गहराई और ऊंचाई देखिएगा, समझ में नहीं आता है। हे जनक, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा बंधन, तुम्हारी समस्या बस इतनी है कि तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा है, जीने की कामना है, बस इतना ही बंधन है, इतनी ही समस्या है, इतना ही। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि तू अज्ञान में है, तुझे लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा, तभी तो कामना। मुझे मकान नहीं है, तभी तो मकान की कामना होगी। मुझे पत्नी नहीं है, तभी तो पत्नी की कामना होगी। मुझे संतान नहीं है, तभी तो संतान की कामना होगी। तो तुझे जब मृत्यु से भय लग रहा है और जीने की कामना हो रही है, तो इसका मतलब तू नहीं जानता है कि अजर अमर अविनाशी है तू, कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है। तेरी मृत्यु तो तेरे काल में महामृत्यु, समस्त काल तुम्हारे गाल में समाया हुआ है। इसलिए हे जनक, बस यही तेरा बंधन है, अर्थात ग्रंथि है तुम्हारी, ग्रंथि शरीर तुमने मान रखा है और शरीर ही विकारी है, वृद्ध हो रहा है, उसी की मृत्यु होगी। लेकिन तुम अपने को शरीर मान रखे हो, तुम जान लो तुम्हारी जीने की इच्छा क्यों। सृष्टि की सारी सत्ता लगकर तुम्हें मार नहीं सकती है, ये तुम जान लोगे, फिर तुम्हारी जीने की इच्छा कैसे बचेगी। महासागर को भय होगा, और मेरी तरंग देखो उधर जा रही है, उधर जा रही है, मैं सूख जाऊंगा। सूर्य को यह चिंता होगी, अरे मैं भारत में इतनी गर्मी दे रहा हूं, इतने सोलर पैनल लग रहे हैं, सोलर एनर्जी लग रही है, क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस आया है, मेरी ऊर्जा का क्या होगा। 0.01% भी जो टैप अभी सोलर एनर्जी का, जो ये साइंटिफिक डिस्कवरी है, इस विषय पर काम करता था सच्चिदानंद सन्यासी, 0.01% एनर्जी का भी अभी टैपिंग नहीं कर पाए हैं। उसको सूर्य को अंतर नहीं पड़ता, जितना भी दोहन जो कुछ भी करो उसका तृण मात्र है, अनंत है, अखंड है। और यहां सच्चिदानंद दिनेश, वो तो सूर्य मेरे अधिष्ठान में जीता है, वह सूर्य मुझसे उत्पन्न होता है और मुझसे रहता है, मुझमें विलीन होता है, क्योंकि इस सूर्य का उदय है, अस्त है। लेकिन मैं कौन सा सूर्य हूं? उदयस्त रहित सूरज हूं। मेरे गुरुदेव बार बार बोलते थे, अरे तू तो उदय अस्त रहित सूरज है, तू किसकी चिंता करते हो। इसलिए जीने की कामना तुम्हारे अज्ञान का द्योतक है, तुम जानते नहीं हो अपने आप को। इसलिए अभी यही तुम अपने आप को जानो, और इसीलिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक अनुसंधान में हमारा बस एक ही लक्ष्य है, और उससे सरल कुछ हो नहीं सकता है, अपने आप को जानना। इसलिए ऋषि ने कहा, और मुझे तो उससे भी आसान लगता है, जब सुनता था मैं दशकों से सुनता था कि आत्मज्ञान होने में, तो आत्मज्ञानी ने कहा कि जितना हथेली पर लेकर के गुलाब की पंखुड़ी मसलने में समय लगता है, उतना ही आत्मज्ञान में समय लगता है। मैं तो कहता हूं उसमें भी तो क्रिया लगती है, दो एक दो मिनट तो लगेगा। ये सारी घटनाओं के हजार गुना नैनो सेकंड में मेरा मैं नित्य उपलब्ध हो जाता है, उससे भी हजारों गुना ज्यादा नजदीक है वो मेरा मैं, वही तो आत्मा है। इसलिए ग्रंथ कोई भी हो, व्याख्या कुछ भी हो, दृष्टांत कुछ भी हो, मेरा मैं महास्वार्थी हूं, महाकामी हूं, महाभोगी हूं, वही परमहंस विद्या है। मुझे एक प्रेसी नहीं चाहिए, एक प्रियतम नहीं चाहिए, एक घर नहीं चाहिए, एक मकान नहीं चाहिए, एक देश का राजा नहीं बनना है, एक धनवान नहीं बनना, मुझे सर्वस्व का, सर्वत्र का, सबका सर्वस्व बनना है, क्योंकि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा हूं। मेरे इतर, मुझसे बाहर, मेरे अतिरिक्त न कुछ था, न है, न होगा, क्योंकि आत्मदृष्टि से मैं चैतन्य सिंधु हूं, आत्म प्रकाश हूं, चिदानंद स्वरूप शिव हूं।
मेरे अधिष्ठान में ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं और विलीन हो जाते हैं। मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं निर्विकारी अविकारी हूं। उस मेरे मैं को जानना है और नित्य उसी की अनुभूति करनी है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं सातवां अध्याय। कल मैंने बताया जो ज्ञान विज्ञान योग का, तो वहां पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं वह ज्ञान विज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जान लेने के पश्चात जानने को कुछ भी शेष नहीं बच जाएगा। और इस अर्थ, इस वाक्य की निष्पत्ति ये हो जाएगी कि उसके पश्चात कुछ भी प्राप्तव्य नहीं बच जाएगा, सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। उस एक के ज्ञान होने से सर्वस्व का ज्ञान हो जाएगा, उस एक की प्राप्ति से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। यही तो ब्रह्म विद्या है, यही तो आत्म साक्षात्कार है, यही तो, इसी को तो महाभोग महाकामना इसलिए बोलता हूं। तू त्याग करके एक घर आया है, बोलते हो कि अरे महाराज जी आप तो बड़े त्यागी हैं, सब परिवार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो महाभोग की खोज में निकला हूं। तू तो जो महाभोग है उसी का त्याग कर दिया, ये रामकृष्ण परमहंस बोला करते थे। अरे तू मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है? मैं संसारी को प्रणाम कर रहा हूं भाई, मैं तो महाकामी भगवान की खोज में निकल गया, तू तो भगवान का ही त्याग कर दिया, तू मेरे से महात्यागी है। व्यंग करते थे संसारियों पर, नास्तिकों पर, कि तेरा बंधन चरण बंधन मैं करूंगा, मैं कहां त्यागी हूं, मैंने तो क्षुद्र का त्याग किया, असत्य का त्याग किया, कल्पना का त्याग किया, स्वप्न का त्याग किया, तूने तो सत्य का त्याग कर दिया, ब्रह्म का त्याग कर दिया। तू महात्यागी है, तू ब्रह्म है, तू मेरा बंधन स्वीकार कर। इसलिए इसकी जो विराटता है, जब तक कपोल कल्पना जैसी बन, आत्म साक्षात्कार क्या होता है जी? अरे ये सब कहने की बातें हैं जी, फिर भी बोलेंगे हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, गर्व से कहो हिंदू, लेकिन भगवत गीता जाए भाण में, उपनिषद जाए भाण में, नाटक करूंगा मैं तो, अपने मनोरंजन का दुकान चलाऊंगा। जो ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उनमें से एक ग्रंथ को निकाल दो, सनातन धर्म मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो ही रहा है। हजार वर्ष की जो गुलामी का कालखंड है, ये स्वामी विवेकानंद से 150 वर्ष पूर्व और स्वामी रामतीर्थ ने जो उनके जो 5 वर्ष ही पूर्व अमेरिका में गए, स्पष्ट ढंग से बोला। अमेरिकन्स ने पूछा स्वामी राम से, रामतीर्थ से, आप बोलते हो कि वेदांत यहां पर होगा वह सामाजिक सामरिक आर्थिक राजनैतिक सब दृष्टि से वो परम वैभवशाली होगा, अजय होगा वो देश, तो आप हजारों वर्षों से गुलाम क्यों पड़े हुए हो, कीड़े की तरह रेंग क्यों रहे हो? और जो वहां पर श्रोता थे कोई एवरेज लोग नहीं थे, अमेरिका के सर्वाधिक विख्यात वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग थे, द मोस्ट एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ यूएसए ऑफ द टाइम, ये 1901 की बात है, एक साल करीब रहे थे। तो स्वामी रामतीर्थ ने जवाब दिया, सुन लो, इसलिए उनको गोद में लेकर झूमने लगते थे क्रिश्चियन, वो बाइबल पर भी बोलते वक्त सीधा बोलते थे, यू अमेरिकन्स डोंट नो बाइबल, और फिर वो जो उसका अर्थ जब बताते थे तो उनको गोद में लेके, तो बोला रामतीर्थ ने कि मैंने जो बोला वो सत्य है और अब तुमको बता रहा हूं कि मैं गुलाम क्यों हो गया। ये इस देश में प्रत्येक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जो बात बोलने जा रहा हूं, जो स्वामी रामतीर्थ ने बोला वो कोई ठीक है अध्यात्म ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उस समय भी इस देश की गुलामी का जो कालखंड चल रहा था, उस समय का जो प्रेसिडेंट का नाम भूल, मुनरो थे या कौन जो भी प्रेसिडेंट थे, उनसे जाकर के केला नग्न सन्यासी अपना रिक्वेस्ट लेटर दिया भारत के तरफ से कि मेरे देश की आजादी में आप अमेरिका को समर्थन करना चाहिए। 91 की बात है, गांधी कहीं नहीं थे उस समय, समझ रहे हैं, युवा 29-30 साल का युवा जो सन्यासी है, ब्रह्म ज्ञान के लिए जाना जा रहा है, लेकिन इस देश से भी प्रेम था, पुस्तक भी है, तो बोला कि हम गुलाम क्यों हुए। उन्होंने बोला
कि जब तक वेदांत हमारी धमनियों में दौड़ता था, हमारे जीवन में हमारी श्वास प्रश्वास के साथ उसका प्रवाह था, तब तक भारत अजेय था, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति था, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति था, आध्यात्मिक रूप से तो विश्व गुरु थे ही, और विश्व का को, लेकिन जब से वेदांत हमारी पुस्तकों के पृष्ठों में सीमित हो गया, हमारे जीवन से बाहर हो गया, हम मुर्दा हो गए, गुलाम हो गए, पाखंड को उपलब्ध हो गए, उसके चलते वह जो घुन लग गया हमारे संस्कारों में, हमारे आदर्श में, और हम गुलाम हो गए। वेदांत नाम मात्र का रह गया, हम अपने जीवन से उसको हमने हटा दिया, इससे गुलाम हुए हैं। ये व्यवहारिक गुलामी भी हजार वर्षों की। और हे ओ अमेरिकन, सुनो अब तुम ध्यान से, तुम आज जो सुपर पावर बनने जा रहे हो, 300 वर्षों की 17वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी यूरोप में, तो उसके बाद से तुम्हारी जो समृद्धि है, द इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ भी हुआ मेरे वेदांत के कारण हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, स्वामी रामतीर्थ के और अमेरिका के सारे सबसे बड़े जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके समक्ष चुनौती देकर बोल रहे हैं कि तुम सुनो, तुम्हारी अभी जो समृद्धि आई है, सुपर पावर बनने लगे, अमेरिका बनने लगा और यूरोप की समृद्धि, ये सब मेरे वेदांत के कारण है। उन्होंने बोला कि क्या बोल रहे हैं, कैसे? फिर उन्होंने हिस्ट्री बताई, जो उपनिषदों का जो दारा सिकोह ने पर्शियन ट्रांसलेशन 16वीं 17वीं औरंगजेब का बड़ा भाई था, उस समय करा लिया था, लेकिन वो एक फ्रेंच स्कॉलर ने उसका फ्रेंच में अनुवाद पहला हुआ था, अंग्रेजी में नहीं हुआ था। फिर जो कोई अमेरिकन प्रोफेसर उस फ्रेंच लाइब्रेरी में फ्रेंच से ट्रांसलेट किए, तो राल्फ वाल्डो इमर्सन पहला अमेरिकन था, और वो लोग उन्होंने अंग्रेजी में देखा, ये उपनिषद नाम की ग्रंथ क्या है भाई, और अरे भगवत गीता, वाह, इमर्सन तो भगवत गीता की एक कॉपी, ये जो दिख रही है आपकी कॉपी, आपके लिए 2% की कीमत नहीं लग रही है। उस समय मैंने कैलकुलेट किया था, अभी अमेरिकन वेदा नाम की पुस्तक मेरे यहां पर भी है, इस पुस्तक के लिए वो इतना तड़प रहा था, वहां का सबसे बड़ा प्रसिद्ध विद्वान बोला, और चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसमें किसी कमिश्नर को, फ्रेंड को अंग्रेज जो थे, लिखा था कि ये मुझे लंदन से किसी विद्वान के पास इसकी एक कॉपी थी, इंडोलॉजिस्ट था, तो उसकी कॉपी उधार अमेरिकन से लिया था एक महीने के लिए, फिर मांगने लगा कि मेरे को पोस्ट करके वापस करो। बोला कि देखो, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पास एक दो महीने और रहने दो इस पुस्तक को, भगवत गीता बोल रहा हूं जिस पर चल रही है चर्चा, और मुझे किसी भी कीमत पर, और शायद हमने कैलकुलेट किया उसको, 5-7 लाख रुपया कुछ कीमत उस पड़ रही थी उस समय, वो तो प्रिंटिंग उस तरह से नहीं था ना। बोला कि किसी भी कीमत पर, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, मुझे वहां से अब भारत से आना, तो सी वहां पर तो समुद्री मार्ग ही था ना, उस समय तो कुछ मार्ग नहीं था, ये तो 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, राल्फ वाल्डो इमर्सन की बात, तो वो कॉपी मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। वो क्रिश्चियन पादरी का बेटा था, लेकिन उसको जो भगवद गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, तो वैसे अमेरिका में, और राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिका का सबसे प्रभावी दार्शनिक बन गया, वक्ता बन गया, लेखक बन गया, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल ने उसे रस्टिकेट कर दिया था, क्योंकि उपनिषद पर, भगवद गीता पर बोलने लगा, कीनोट एड्रेस देने आया था कुछ 30 वर्ष में ही, जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन ये उपनिषद की महिमा देखो, भगवद गीता की, वेदांत की महिमा देखो, राल्फ वाल्डो इमर्सन, वहां के सारे क्रिश्चियन पादरी और सब लोगों ने उसको बहिष्कृत कर दिया, लेकिन 5 साल के अंदर अमेरिका का कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई पोएट नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई नोबेलिस्ट नहीं कि उसकी लेखनी से अछूता रह गया, सभी इतने प्रभावित हो गए। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने क्षमा प्रार्थना का लेटर लिखते हुए पुनः यूनिवर्सिटी का कीनोट एड्रेस 5 साल के अंदर देने के लिए बुलाया। ये वेदांत की बात बता रहा हूं, इतिहास इस महिमा को, इसकी ये घटनाएं आपको पता चलती तो दरिद्रता का, भिखारी का जो कोटा कटोरा लेके घूम रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है जो आज हिंदू, वो स्थिति नहीं हुई।
इसकी महिमा को तुमने जाना नहीं। तो राम तीर्थ ने जो बताया वो शाश्वत सनातन सत्य है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है वेदांत। वेदांत किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, काल विशेष के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द भी नहीं है कि उसके लिए, उसके लिए नहीं है। वो तो गुण धर्म के आधार पर है कि सत्वगुणी होगा तो उसको समझ में आएगा, तमोगुणी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन वेदांत जिस घर में होगा, जिस व्यक्ति के पास होगा, आचरण में, विश्व की कोई शक्ति उसे न अपमानित कर सकती है, न उसकी हानि कर सकती है। वो अजय है, क्योंकि वो ब्रह्म है, सजीव ब्रह्म है। तुम बोलते हो कि हम परास्त हो गए, इतिहास नहीं पढ़ा इस देश का। जब प्लासी की लड़ाई और बक्सर की युद्ध जो हो रही थी, ये वाजपेयी जी बार बार बोला, ये वेदांत की कहानी बता रहा हूं, भारत के पतन की कहानी बता रहा हूं। अरे शरीर नहीं रहेगा तो तुम ब्रह्म ज्ञान कहां से होगा? तो वाजपेयी जी बार बार बोला करते थे कि जो प्लासी की युद्ध हो रही थी और बक्सर की लड़ाई जो हो रही थी, तो कुछ मुट्ठी भर कुछ दर्जन ही अंग्रेज सैनिक थे और बाकी तो हिंदू सैनिक थे उनके तरफ से, लेकिन उनसे 50 गुना ज्यादा जो हिंदुओं की, भारतीयों की भीड़ थी, एक एक रोड़ा मार देते तो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी सेना और सारे अंग्रेज उसी वक्त मर गए रहते, लेकिन मौन दर्शक बने हुए थे हम। ये हमारी नपुंसकता का तांडव है और उसका दंश आज तक झेल रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या से ग्रस्त थे, द्वेष से ग्रस्त थे और डर से भी, मार देगा मुझे गोली, मार देगा। अरे भगवत गीता में आजकल से तुम पढ़ रहे हो और वहां पर तुम मृत्यु होती है तो हाँ पंडित भी सुना देगा, आत्मा अमर है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। किताब में बंद हो गई, कोई मरता है तो उसके पाठ करा, गीता पाठ कर दूंगा, कुछ नहीं होगा उस गीता पाठ से, कुछ नहीं होगा उस गीता पाठ से। उस पाठ के एक अंश को भी जीवन में उतार लो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति घट जाएगी। यह कह रहे हैं राम तीर्थ, अपने जीवन में उतारो, उसका उपयोग करो, तुम्हें जिसको पता चल जाएगा। और उपयोग किया महर्षि अरविंदो ने किया, विवेकानंद से प्रेरित होकर के, और विवेकानंद भी उसी उपनिषद के जो मॉडर्न रेनेसेंस हुआ भारत का, तो ये विवेकानंद का और अरविंदो का और ये जितने उसमें के चिंतक है, बाल गंगाधर तिलक का, इन ग्रंथों की बहुत बड़ी भूमिका है, नहीं तो गुलामी भी नहीं गई रहती। ये उस भाव में कि जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, क्या कर लोगे मेरा, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। जो जिस धर्म का पालन अर्जुन ने किया, उसका सौवा हिस्सा भी आम भारतीय को, आम हिंदू को समझ में आ गया रहता, तो ये नहीं उसको चिल्लाना पड़ता पॉलिटिकल रैली में कि हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे, ये बोलने की व्यवस्था नहीं रहती। तुम्हें तो तुम्हारी तरफ आंख उठाने की किसी की क्षमता नहीं हो, लेकिन तुमने तो अपनी जड़ों को ही काट दिया है, धर्म की दुकानदारी खोल दी है तुमने। ओ कृष्ण के उस दर्शन को कहां पढ़ाया? चलो विश्वविद्यालयों में जिन कारण से नहीं पढ़ा रहे, स्कूलों में तुमने घर में पढ़ाया है क्या? ज्यादा से ज्यादा उस पुस्तक को लाल लाल वस्त्र में लपेट करके पूजा घर में रख दिया है तुमने। आत्मा अमर है का अर्थ समझा क्या? अगर मैं अमर हूं तो किससे भयभीत होऊंगा, क्यों भयभीत होऊंगा? कालों का महाकाल भी आएगा, उससे युद्ध करूंगा जो अर्जुन ने किया। ये जो तात्पर्य है, निहितार्थ है जो वेदांत का, अगर इस देश की 1% आबादी के जीवन में उतर जाए, अभी भी और जहां भी किसी के भी जीवन में उतर जाए, तो वो अजय हो जाता है। व्यवहारिक अर्थ बता रहा हूं, आत्यंतिक निवृत्ति और मोक्ष तो आगे की बात है। तुम्हारे ये सच्चिदानंद भी यहां पर पहुंचा है, उसके पहले जीवन में जो आनंद आया, जो कुछ अभिजय रहा, वेदांत की भूमिका है। भयभीत बिल्कुल नहीं, मृत्यु का थ्रेट आता था, चीफ मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट्स कि हमें तुम बदनाम करके हमारे स्टेट को कर रहे हो, करप्शन का आरोप लगा रहे हो और हमारे अधिकारियों को डिसमिस करा रहे हो, मार देंगे, चिथड़े चिथड़े कर देंगे, बम से उड़ा देंगे। फोन आते थे मुझे, फाइल तक FIR करने तक नहीं गया। ये मेरा व्यक्तिगत कोई गाथा सुनाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य यह है कि अनुभूत सत्य है, मेरा जिया है वेदांत को, इसलिए बोल पा रहा हूं। मैंने बोला, जब हम
इस देश के शासन तंत्र के चोटी पर बैठे लोग भी जो हमारे मित्र थे उन्होंने मुझे प्रेम बहुत प्यार करते थे, जानते कि बहुत साहसी, बोले कि देखो इस प्रदेश में मत जाना, बम बना करके रखा है तुमको, दे विल बम्बार्ड यू। मैंने प्रश्न पूछा कि अच्छा उसने कृपा कर दी मुझे को बम मुझे नहीं लगा, मेरी हत्या नहीं करी, तो कितना हजार वर्ष जीवूंगा? और उसमें उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 35-36-40 के बीच का ही कालखंड है। तो बोले कि नहीं हजार वर्ष तो नहीं जियोगे। मैंने बोला कि अगर हजार वर्ष नहीं जीऊंगा, कृपा भी कर दे तो मैं जिसके लिए जीना चाहता हूं, मुझे पसंद नहीं है कि हमारे देश के गरीबों को, शोषितों को ये यहां के शासन तंत्र के ही लूटे, उनके कफन को चुरा ले, उनके मुंह के निवाले को चुरा ले, और एक देश का नागरिक होने के चलते मैं मौन नहीं रह सकता हूं, मृत्यु आए तो अभी आए इसका स्वागत करूंगा। और FIR मुझे करने के लिए कुछ नहीं करना था, इतना प्रभाव था, फोन भी कर देता तो तुरंत वो सारे अरेस्ट होता, मैंने मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुझे जो करना है कर। उसकी तार्किक निष्पत्ति हुई, मेरा तो कुछ नहीं कर पाए, जो करना था वो पूरा भी हो गया। वहीं पर डर जाते हैं, ये आत्मा अमर है या आत्म साक्षात्कार का व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूं, अगर तुमने वेदांत को जिया नहीं है तो प्रवचन भी मुर्दा होगा तुम्हारा। वेदांत जीने के लिए है, तुम्हारी धमनियों में दौड़ेगा, तुम्हारी श्वास पर श्वास में सजीव होकर तुम्हें दिखेगा। तो एक इसीलिए तो बोलते हैं ब्रह्म चिंतनम क्षणमपि, उसकी कितनी महिमा है, क्योंकि भी अनादि अजर अमिना अविनाशी मुक्तदायिनी मोक्षदायी समस्त भय निवारक तत्व है चैतन्य सत्ता। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है, अभी यहीं यथा शीघ्र जितना हो सके, और इससे छोटा सरल काम क्या है, मुझे अपने आप को जान लेना है और प्रतिदिन इस दृढ़ संकल्प में रहना है, शब्दों से याद नहीं करना है। तो ये हमारा अभिष्ट है। चूंकि भगवद गीता जहां पर आए तो युद्ध और युद्ध का परिदृश्य और आसन्न मृत्यु, अर्जुन क्यों भाग रहा है, मेरे पितामह मारे जाएंगे, मेरे गुरुदेव मारे, इस सबसे भयभीत मोहित हो रहा है, अपने भी भय, उसी की निवृत्ति कर रहे हैं। और युद्ध किया उसके बाद ब्रह्म ज्ञान दे दिया तो हिमालय नहीं चला गया अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में भेजा, दर्शन करा करके निर्गुण निराकार स्वरूप का भी दर्शन कराया और सगुण साकार का भी, और भेजा युद्ध की भूमि में, भेजा नहीं अंत में तो वही कहा यथेक्षसी तथा कुरु, पहले बोल रहे हैं ये कर अंत में यही बोला जब अंतिम ज्ञान दे दिया, हे अर्जुन यथेक्षसी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तेरी जैसी ही इच्छा हो वैसे कर। और तब वो बोलता है कि हे भगवान अब जो आप चाहते हैं वही होगा, करूंगा युद्ध करूंगा, और युद्ध किया, उसका फल है धर्म की स्थापना हुई, अधर्म परास्त हुआ। लेकिन हम तो डरपोक हो गए हैं, अपनी कामना वासना से ग्रस्त होकर 2 रुपए में धर्म भी सत्य भी सब कुछ नीलाम करने बाटर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वेदांत प्रवचन का विषय मात्र रह जाए, धर्म का धंधा बन जाए, दुकानदारी बन जाए, तब तो उस वेदांत की भी दुर्गति होगी। लेकिन चूंकि वेदांत में इसकी संभावना ही बहुत कम है, इसलिए दुकानदारी भी नहीं, कुछ कुछ अभी कोशिश कर रहे हैं, सब इशारा कर रहा हूं। लेकिन हमारा अभी जो अभिष्ट है कि अपने परम ऐश्वर्य परम वैभव स्वरूप, जो अपने स्वरूप का जो दर्शन है वो हमें शीघ्रातिशीघ्र करना है, हमें बेसब्री है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी है। अरे जीवन जीना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, मिलेगा कहीं, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब पर भारी पड़ेगा 7 दिन के प्रवचन पर। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में ही कि मृत्यु के पश्चात तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं, भले क्षण भर पहले भी तुम्हें भाव हो जाए मुक्त हो, तो मुक्त हो सकते हो। तो अधिकांश लोग यही समझते हैं, चलो अध्यात्म तो चौथेपन की बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में भगवद गीता जान लेंगे, चलो ब्रह्म ज्ञान भी आत्म साक्षात्कार भी कर लेंगे 80-90 वर्ष की अवस्था में। अब एक बात का ध्यान करो, ये उपनिषदों से इंस्पायर्ड में जो बात बोलने जा रहा हूं, इसकी कल्पना करो
देखो शरीर मिला है तो मैं तो जीऊंगा, आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य क्या है कि मैं हत्या शरीर को मारना जाऊंगा, ये इसे मतलब नहीं जीऊंगा। 16 वर्ष की अवस्था में राजकुमार रामचंद्र को महर्षि वशिष्ठ ने, जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान करा दिया। उसके बाद शादी की, युद्ध किया, सब कुछ घटा। जनक तो विदेह है, उनको भी ज्ञान है, सुखदेव को तो पेट से ज्ञान है। तो कहना क्या चाह रहा हूं, अरे आत्म साक्षात्कार या मोक्ष विद्या तुम ये मान के क्यों चलते हो कि मरने के पहले मुझे हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। अरे मूर्ख, अभी तो उस परम मैं हो प्राप्त करके लीड अ फ्री लाइफ, लीड एन इनलाइटेंड लाइफ, उसकी उसकी ग्लोरी, उसके स्वर्ग की कल्पना करो कि मैं मुक्तात्मा हूं, शिवोहम सच्चिदानंदोहम मुक्तोहम ब्रह्मोहम। इसका जीवन जियो इस धारा पर, लीव, डोंट सीक आफ्टर अ लाइफ दैट इज फ्री आफ्टर डेथ, बट लीड अ फ्री लाइफ राइट नाउ राइट हियर। उसकी कल्पना करो तो तुम्हारे रोम 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 रोमांचित हो जाए। जियो ब्रह्म की तरह, मरो नहीं ब्रह्म की तरह, जियो ब्रह्म की तरह, परमात्मा का जीवन जियो। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सच्चिदानंद घर हूं, वाक्य नहीं अपने जीवन में। इसके जीवन का तात्पर्य नहीं है कि सर्वव्यापी सच्चिदानंद घर परमात्मा, मैं आसमान में जाऊंगा, ये मूर्खता नहीं। ये जान लिया मैंने कि मेरा जो चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप में ही सूर्य है, चंद्र है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, मेरे चैतन्य का न जन्म है न मृत्यु है। इस भाव में मैं सम्राटों का सम्राट हूं, आई एम रूलर ऑफ द रूलर्स, गवर्नर ऑफ द गवर्नर्स, एम्परर ऑफ एम्परर्स, मुझसे परे कोई नहीं, मुझसे इतर कोई नहीं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं। ये जीवन जियो, अनुभूति का जीवन, इसका जीवन एक क्षण का। युग युग तक तुम किसी प्रदेश के, किसी देश के राजा बनकर के बार बार जन्म लो, और एक क्षण उस मुक्ति का जो अनुभव है भारी पड़ेगा। तो ये कामना करो, ऐसा नहीं 10 साल धैर्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन पूरी अपनी शक्ति, अपने से कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपलब्धि, धन इतना बड़ा है, पदवी इतनी बड़ी है, पद इतना बड़ा है, जिसे सुखदेव भागवतम में कहते हैं, अहम ब्रह्मा परम धामम, ब्रह्माहम परमम पदम, परम धाम मैं ही हूं, परम पद मैं ही हूं, मुझसे परे कोई पद नहीं, मुझसे परे कोई धाम नहीं, वही परम धाम परम पद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं। हे परीक्षित, यही और अभी तू जान ले, तेरी मृत्यु की कहां संभावना है, जन्म की कहां संभावना है। आपने भूले भटके, इससे मोक्ष हुआ था परीक्षित को, लेकिन हजारों कथाएं हो रही है, आपने भूले भटके कभी सुना है इस मंत्र को, इस विद्या को सुना है? करोड़ों खर्च हो रहे हैं, वहां 25 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए समय है, यहां 10 लोग श्रवण करने नहीं आएंगे, क्योंकि तूने संकल्प कर लिया है। द इंडियंस, द हिंदूज हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, कल्चरल सुसाइड करने का तुमने संकल्प कर लिया है, और बोलते हो कि हिंदू खतरे में है। तूने खतरे में डाला है अपने आप को, पाखंड ला दिया है अपने चरित्र में। तुम्हारे मूल ग्रंथ कहां गए? उपनिषदों पर कहां चर्चा हो रही है? भगवत गीता पर कहां चिंतन हो रहा है? मनोरंजन का, वासना का तांडव कर रहे हो धर्म के धंधे के नाम पर, और हिम्मत नहीं है। बड़े से बड़े पीठ हैं, धर्माधीश हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं उसी में आनंद आ रहा है। उन्हें लग गया कि अब तो सुनने वाले नहीं है, जो भी चंदे आ रहे हैं भगत भाग जाएंगे। मुझे पहले साल, आज 10-12 साल पहले जब यहां पर आया था, उसके 3-4 दिन पहले ही शाम में निकला, पहले टहलने के लिए तटबंध जो गंगा जी किनारे वाला, तो कुछ संत मुझे पहले से भी जानते थे। उस समय अंग्रेजी वगैरह में लिखता था, इसके चलते ज्यादा प्रभावित बोलते थे, तो बड़े डिबेट करता था ग्लोबल लेवल पर, अध्यात्म पर ही, तो मिल गए। अच्छा, आ गए आप, बहुत अच्छी बात है। तो बोला, जानते हैं क्या बोला, उनके बड़े बड़े मठ हैं, लेकिन हमको जानते थे, उनको लगता था कि बड़े। बोले, स्वामी जी लेकिन आपसे एक आग्रह है। मैं बोला, क्या? उस समय भी मैं प्रवचन पहले से भी कर रहा था वेदांत पर।
बोले कि देखिए वेदांत पर स्वामी जी आप बड़े विद्वान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वेदांत पर कौन सुनेगा? कोई सुनने नहीं आएगा। देखिए हम लोग कोई शिव कथा सुनाते हैं, कोई भागवत कथा सुनाते हैं, कोई राम कथा सुनाते हैं, देखो कितने मजे ही मजे हैं, हजारों लोग आ जाते हैं, कथा एक बार रट लिया है, नोटबुक बना लिया, वही रटना पड़ता है। वेदांत पर आप जो करते हो कितनी मेहनत करनी पड़ी है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन 5-10 लोग भी नहीं आते हैं। तो मैंने बोला कि मैं लोगों को बुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए वेदांत मैंने नहीं पढ़ा है। ये जो मुक्तिकामी जो जीव है अपने परम ऐश्वर्य, परम वैभव, अपने उस ऐश्वर्य को पाने के लिए, और मैंने उस ऐश्वर्य को पा लिया है जिसके ब्रह्मांड में, जिसके पश्चात न कोई मुझे कुछ दे सकता है न मेरा कुछ ले सकता है। इसलिए लेना न देना, मगन रहना की अवस्था में आप जलिए, आप अपनी दुकान चलाइए, कथा वाचन कीजिए, मैं रोकने वाला नहीं हूं। कोई नहीं सुनेगा, मैं स्वतः श्रवण करूंगा, वही करता हूं। यूट्यूबर बना दिया किसी ने, अपने बोल देता हूं, अपने सुनाई भी पढ़ लेता है, दोबारा भी सुन लेता हूं, मैं आनंद में हूं, मेरा काम हो गया है। मेरे पर कृपा बरसाने के लिए शिविर में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंतिम वासना केवल जिस कारण से भी बची है कि ये इतनी विराट उपलब्धि हुई है, बांटो कहीं कोई तो ले लो। अरे मूर्खो, उल्टा घड़ा तुम्हारा पड़ा हुआ है, दरिद्र की तरह सुबह से शाम तक जी रहे हो, कोई गप करने के लिए 2 मिनट मिल जाए, कोई तो थोड़ी चर्चा कर ले, कोई इस जीवन का, उस जीवन का, उस पॉलिटिकल पार्टी का, अरे उन सब की उपयोगिता है, लेकिन इस वृद्धा जीवन भर तो तुमने किया ही है, इस वृद्धा काल में भी तुम्हें ये न लगा कि चिंतन करूं कि इस जीवन में मैंने क्या पाया, ऐसा कुछ पाया कि गौरवान्वित तो होकर जा सकूं। 10 बिल्डिंग बनाई दिल्ली में, 5 बिल्डिंग बनाई मुंबई में, बेटा अमेरिका में भी रहता है, लेकिन अंदर में तो सोते वक्त रो करके सोते हो, पूछने नहीं आ रहा है। मैं 10 साल से बेड रिडन हूँ, मेरी पत्नी को ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन बोलता है पापा पैसा, ओ बहुत अच्छा होगा, पापा पैसा भेज दूंगा, मम्मी चिंता मत करना, लेकिन USA में है कैसे आएगा, लंदन में रहता है कैसे आएगा, बड़ा व्यस्त है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है। ये आपकी उपलब्धि है। अभी भी वैराग्य हुआ नहीं कि जो भी जो जीवन में क्षण मिला है, जो श्रीमद् जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग ने जिस परिस्थिति को देखकर करुणा बसु रचना की, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। किसी ब्राह्मण के घर रुके हुए थे, भ्रमण करते रहते थे, तो 80-85 वर्ष के वृद्ध सज्जन थे, जो आतिथ्य होस्ट जो थे, वो देखा व्याकरण पढ़ रहे हैं। शंकराचार्य के अश्रुपात होने लगे कि ये देखो मूढ़ता, ये मूर्खता, अब ये मरने के दिन, वो तो हालांकि कोई गप नहीं कर रहा था, कम से कम तो व्याकरण ही वो वृद्ध ब्राह्मण पढ़ रहा था, फिर भी उसकी मूर्खता पर, यहाँ तो भी नहीं करते हैं सब, अभी भी उसी में लगे हैं, कौन सी सीरियल आ रही है, ये जरा खोलो तो टेलीविजन, सास ने क्या कहा, बहू ने क्या किया, चटखारे वाली चैनल चलाओ, वो तो फिर भी व्याकरण, लेकिन उसकी भी तो क्या उपलब्धि होगी, तो दया आ गई, तो कहा उसी करुणा बस उन्होंने वो रचना कर ली कि ये उम्र अब तुम्हारे व्याकरण, व्याकरण तो साधन है साहित्य को जानने का, अब कहाँ तुम्हारे पास उम्र है, कहाँ समय है, कहाँ ऊर्जा है, अब तो बस एक ही उपाय है, क्या, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। इस अवस्था में कम से कम ये तो कर ले, लेकिन ये भी तुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये वो तो निमित्त ब्राह्मण बना ले कि प्राणी मात्र पर, मनुष्य मात्र पर, कि तुझे सब कुछ दिख रहा है कि सब जलने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है, जिसे तुम मानते हो, तुम्हारा मानते हो, तो सब नष्ट हो रहा है, तो तुम्हारे शास्त्रों ने हजारों वर्षों से जो बनाया कि जिसे नष्ट किया नहीं जा सकता, जिसे चुराया जा नहीं सकता, जिसे छीना जा नहीं सकता है, जो कालों के काल के द्वारा भी स्पर्श से मुक्त है, उस तत्व को तो जान लो। अरे वो तो कहने की बातें हैं जी, हम क्या करें। तो यही उद्घोष करते हैं कृष्ण कि मैं वह ज्ञान देने जा रहा हूं और वह तत्व बताऊंगा जिसे जान लेने के पश्चात जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा, और जिसे प्राप्त हो जाने के प्राप्त बाद कुछ भी प्राप्तव्य बच नहीं जाएगा। इसलिए वह कौन सा तत्व है, वो मेरा। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, ध्यान से सुना। अब यहां पर
प्रथम पुरुष में हो रहा है। यहां व्याख्या क्या हो रही है कल से, सातवें अध्याय में आम्रभास्मी की व्याख्या, मेरे ब्रह्म का ये स्वरूप है, मैं ही अनादि कारण हूं, ये हूं वो हूं, जड़ पर प्रकृति। अब इसी को मैं द्वितीय पुरुष में ला देता हूं। अभी आप समझ रहे होंगे कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो कृष्ण ऐसे थे मेरा क्या, वो कृष्ण कोई और नहीं है, वो कृष्ण तुम हो। अज्ञान की दृष्टि से, देह दृष्टि से कृष्ण कुछ और थे, तुम दृष्टि हो, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से जो कृष्ण का सत्य है वही तुम्हारा सत्य है, अभी यही सदा सर्वदा तुम ही मूल कारण हो ये अनंत ब्रह्मांड के, जो उन्होंने बोला ना मैं इस अनंत ब्रह्मांड का कारण हूं, और ये अनंत ब्रह्मांड जो माइक जगत जो नाम रूपात्मक जगत है ये कार्य है मेरा। आपकी इतनी परिधि बानी अभी इस पर लाने के लिए कि ये संपूर्ण जो ये दो अध्याय चलेंगे इसमें एक शब्द याद रखना, कार्य कारण तत्व निरूपण और विवेक से विवेचन, आपको जानना है फिर नग्न दिखेगा ब्रह्म। कार्य कारण जैसे दृष्टा दृश्य विवेक से वेदांत में यह बताया जाता है कि तत्काल आत्म साक्षात्कार मेरे प्रवचन भी हैं तो बताया जाता है क्या एक दो बातें कि दृष्टा और दृश्य नित्य भिन्न है और दृश्य दृष्टा हो नहीं सकता है, दृश्य असत है, काल्पनिक है, स्वप्नमत है, जो दृष्टा है वही एकमात्र सद्वस्तु है, इन दोनों का भेद जानो। अब इसके बिल्कुल विपरीत कार्य कारण कार्य संबंध, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा हो कि कहां कहां से इतनी दूर भाग रहे हैं, मैं उस गुरु का, मेरे परम गुरुदेव धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज एक चौपाई पर श्री रामचरितमानस के या किसी उपनिषद के या किसी भागवतम के एक श्लोक पर 6-6 महीना प्रवचन करते थे, 6 महीना, और ऐसे वैसे लोग नहीं आते थे, इस देश के विश्व के सबसे जो प्रकांड विद्वान थे वो श्रोता के रूप में रहते थे, और कोई आयोजन भी नहीं रहता था वहां, जो कदम का वृक्ष जो वहां पर वृंदावन में आपने देखा होगा, वहां खुले मैदान में बारिश भी हो रही थी, ये सब बताते हैं अखंडानंद जी के मुंह से भी मैं सुना हूं, उनके तो छोटे गुरु, लाखों लोग बैठे हैं भीग रहे हैं लेकिन चल रहा है वह प्रवचन, चल रहा है, श्रेष्ठ लोग सुन। तो तत्व को जानो, एक श्लोक को गहराई से जान लो एक तत्व को, तो मैं क्या बता रहा हूं, कृष्ण ने कल कहा और आज उसी का निरूपण करने जा रहा हूं कि मैं समस्त अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रभव प्रलयस्तथा, मैं समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण हूं, ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। अब ये इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा था कि वह कृष्ण कोई और नहीं, अब आप ये संकल्प करो, ये भाव करो कि वह कृष्ण चैतन्य दृष्टि से, देह दृष्टि से भेद है, काल दृष्टि से भेद है, कृष्ण जो देवकी नंदन है वो तो द्वापर में आए, लेकिन चैतन्य दृष्टि से जो कृष्ण की चेतना थी, जो राम की चेतना थी, जो शंकराचार्य की चेतना थी, वही चेतना मैं हूं, वही चेतना सब है, चेतना में कोई भेद नहीं है, चैतन्य दृष्टि से मुझसे ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ मतलब अर्थात आत्मा, चेतन सत्ता, अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस दैट आई एम, वो कृष्ण मैं हूं। इससे अब वहां से देखो ट्वीन मारा मैंने, यहां अब साक्षात अपरोक्ष, यही बताना उनका भी लक्ष्य है, और फिर सर्वत्र अपने उस मूल स्वरूप को जो कार्य कारण, तो वो सिद्धांत सुनिए, इसके आधार पर साक्षात ब्रह्म दर्शन होगा। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, वैसे तो आमतौर पर वही सिद्धांत दिखना चाहिए आपको, कारण से कार्य सदा अभिन्न होता है, द कॉज एंड इफेक्ट आर ऑलवेज वन एंड इनडिफरेंट एंड द सेम। इस पंक्ति को बहुत मूल सूत्र को याद कीजिए, इन दोनों श्लोकों को समझिए, ये जो 7वां अध्याय है और 13वां अध्याय, दुनिया के सारे भाष्य पढ़ लोगे ये नहीं मिलने जा रहा, इसलिए गुरु की भूमिका ये होती है। आप 2 घंटा सुनने आए हो, ये कई युग से चला होगी, इस युग में भी 45 वर्ष से चोटी के विद्वानों के साथ रहने और वो वाली मेधा जो लगी है तब ये बोला जा रहा है, समझ करके अनुभूति करके। तो कार्य से कारण अभिन्न होता है, मतलब भेद नहीं है। उदाहरण आपको कठिन लग रहा हो, अब देखो दिखाता हूं, ये क्या है, टेबल है, ये कार्य है, इसको व्यवहारिक
अभी प्रयोग उपयोग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? काठ, लकड़ी। तो अभी इसे उपयोग में नाम रूप हमने दे दिया टेबल का। इसी का अगर शेप कुर्सी हो जाए तो वो कुर्सी कहलाएगा, लेकिन कारण एक रहेगा। मकान पहले बनते थे उतने तो ये गाट ये लगता है ना आयरन का, पहले गांव में हमने देखा वो लकड़ी का ही लगता था ना, उसको जो लगता था सब लकड़ी सर्वत्र लगती है। अभी भी जो फेंसिंग वगैरह होती है अनंत प्रयोग है। तो लकड़ी से बने जितने भी पदार्थ है, उपकरण है, तत्वतः क्या है? मूलतः लकड़ी ही है। सूत से बने जितने भी वस्त्र है, मूलतः सूत ही है। कारण 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 क्या है? सूत। कार्य क्या है? कुर्ता, धोती, साड़ी, ये कारण, कॉज एंड इफेक्ट। इस संबंध यही कृष्ण बता रहे हैं। लेकिन अब आदि शंकराचार्य में हजारों वर्षों पहले भाष्य लिखे गए हैं और बड़े मनुष्यों ने लिखा, आज व्यवहारिक नहीं समझ में आ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कंटेम्पररी समझ जैसी होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, भाषा नहीं गुरु बता पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं प्रयास करता हूं कि अभी समझ पाए। तो जो कार्य है कारण से अभिन्न होता है, मूलतः उसमें भेद नहीं होता है। मिट्टी कारण है, मिट्टी से बने घट, मठ, चुकड़, दिया, जितने भी उपकरण होंगे वास्तव में क्या होंगे? मिट्टी ही रहेंगे। तत्व दृष्टि से दूसरा तत्व नहीं है। मिट्टी जो ऐसे पड़ी थी वो घड़ा बन गया, तो घड़ा नाम रूप है, उत्पन्न हुआ मिट्टी से, स्थित किस में है? मिट्टी में। और विलीन किस में होगा? मिट्टी में। स्वर्ण से जो जितने आभूषण बने, उत्पन्न कहां से हुए? स्वर्ण से। स्थित किस में है? स्वर्ण। और विलीन कहां होंगे? स्वर्ण में। इसलिए ये कार्य हुआ। स्वर्ण कारण है और स्वर्ण आभूषण कार्य है। उसी प्रकार से मैं सच्चिदानंद, अपने अंदर संकल्प करो यही, मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मूल कारण हूं अनंत ब्रह्मांड का। मुझसे ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, मुझमें ही विलीन होते हैं, मुझमें ही स्थित रहते हैं और मुझमें ही विलीन हो जाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे और प्रभावी उदाहरण लो स्वप्न काल की अवस्था कि कैसे हो सकता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित है। अभी विपर्यय का भाव आ रहा होगा, कंट्रेरियन भाव। अच्छा महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण मान लो और बोलो कि मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है, ये समस्या। इसको बोलते हैं संशय और विपर्यय, दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वेदांत के श्रवण मनन में। कि ब्रह्म बार बार कह रहा कि मैं ब्रह्म हूं क्योंकि तूने जीव मान रखा है अपने को। तो कहते हैं कि तू अनंत काल से अपने को चूंकि मान रखे हो कि मैं ये सीमित शरीर हूं, तो मानने में समस्या बन रही है कि मैं ही सूर्य चंद्र सबका अधिष्ठान हूं, क्योंकि चेतन तुमने माना नहीं है। तो कारण दृष्टि अब लगाओ। कारण दृष्टि क्या है? वही ज्ञान दृष्टि है, वो चेतन। सबका कारण चेतन है। प्रज्ञा नम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरी ब्रह्मन। तो वह स्वप्न की अवस्था में सबसे सुंदर निरूपण है जो मांडुक्य उपनिषद को और मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य और शंकराचार्य के भाष्य के साथ पढ़ो तो वही घटना घट जाती है आपकी। तो स्वप्न में आप अपने कमरे में लेटे हैं, आप एक छोटे से बिस्तर पर पड़े हैं, अनुसंधान किए अपने पर, अपना स्वप्न प्रतिदिन देखता है। रात में लेटे हुए वहां मुझे कोई हाथी दिखने लगा, कोई मेरे घर, मैं यहां पर हरिद्वार में हूं या ऋषिकेश में आया हूं, मेरा कोई बेटा बेटी मित्र शत्रु दिख रहा है, दिल्ली का कनॉट प्लेस दिख रहा है, लंदन दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हिमाचल दिख रहा है, चंडीगढ़ स्वप्न में दिख रहा है। लेकिन वो जो पहाड़ दिख रहा है स्वप्न में, महासागर दिख रहा है स्वप्न में, मेरा कोई शत्रु दिख रहा है, मेरी कोई प्रेयसी दिख रही है, मेरा कोई घृणित, कोई वहां पर भिखारी दिख रहा है, कोई डाकू दिख रहा है, कोई पापी दिख रहा है या भगवान भी दिख रहा है, उसका कारण कौन था? जो उत्पन्न कहां से हुआ वो सब, समस्त स्वप्न दृश्य का जनक कौन है? मन। मेरे मन का प्रक्षेपण मात्र है और वह स्वप्न दृश्य स्थित किस में है? मन में। और फिर विलीन कहां होता है? मन में विलीन हो गया। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड
कभी न था न है न होगा, न चुत्पत्तिर न बद्धो न चुत्पत्तिर। ये अंतिम अजातवाद का सूत्र है, यही मांडू के कारिका का मूलतः अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक प्रोमिनेंट आदि शंकराचार्य ने, दादा गुरुदेव गौड़पादाचार्य की जो कारिका है ना, यही मांडू के कारिका की वही श्री अजातवाद है। कि तीन चार और सिद्धांत हैं, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद, और ये सब पर भारी अद्वैत वेदांत का शंकर परंपरा में ये मान है कि वास्तव में न सृष्टि बनी है न होगी, ये ब्रह्मवत सप्रमत दिख रही है, इसलिए वास्तव में कोई बंधन युक्त भी नहीं है, इसलिए किसी को मुक्त भी नहीं होना है। क्योंकि चैतन्य दृष्टि से भी देखो ना, चैतन्य को बंधन कब हुआ? इस मठाकाश में आकाश को इस मठ ने कब बांधा? तुम्हें भ्रम हो रहा है कि ये बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। वह चैतन्य सत्ता हो, बोर्डरलेस प्योर कॉन्शियसनेस इज नेवर एबल टू बी गॉट टू बी कन्फाइंड और लिमिटेड बाय एनीबॉडी। वो तो फ्री, वो तो मुक्त है ना, वह जो चेतन सत्ता मेरी जो आत्मा है। तो मुझसे ही, मुझ उस चैतन्य में ही ये स्वप्नवत ये समस्त दृश्यमान जगत, स्वप्न में और तथा कथित ये जागृत में कोई भेद नहीं। यही तो जनक को जो स्वप्न देख रहे थे, भिखारी बन गए थे, भीख मांग रहे थे, थोड़ी देर बाद स्वप्न टूट, खाने को तीन दिन नहीं मिला था, वो विस्तार में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अष्टावक्र पर नहीं है। तब फिर उनके मन में प्रश्न आ गया कि वो सच कि ये सच, मैं तो भी स्वप्न में देख रहा कि मैं भिखारी बन गया, तीन दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन अभी तो मैं जग गया, देख रहा हूँ मैं तो राजा का राजा हूँ, मैं जनक हूँ। और उसी के बाद तो अष्टावक्र आए थे उसका, कि न वो सच न ये सच, इन दोनों को देखने वाला सच, यही अद्वैत वेदांत का मूल निष्पत्ति है। और यही कृष्ण भी अब बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी दो प्रकृति है, पर प्रकृति और अपर प्रकृति। वहां जो अष्टावक्र बोलते हैं कि न ये सच न वो सच, इन दोनों को देखने वाला, अब यहां कृष्ण उसको क्या कहते हैं, सच किसको? मेरी जो पर प्रकृति है वो सच है, और जो जिसे वो देख रही है वो निकृष्ट है, अशुद्ध है, बंधनकारी है, वो जड़ प्रकृति जो अष्टधा कल मैंने बताया था, उससे तादात्म्य विच्छेद करो। मेरी पर प्रकृति, मेरी पर प्रकृति अभी तुम्हारी अहम के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, उसी से मैंने धारण किया है अनंत ब्रह्मांड को। तो अब लेते हैं, आज दो श्लोक लेंगे, एक श्लोक को कल ही ये कर चुके, ये एक जो श्लोक है वो आपको ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए काफी है, छह महीने तक तो मैं भी बोलते रह सकता हूं उस पर। बीज मंत्र है ना, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्योपधारये अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सातवें का छठा श्लोक, इसका साधारण मैंने भवार्थ बताया था अंत में हो रहा था, तो ये बहुत बीज मंत्र है। एतद् योनिनि, कार्य कारण का सिद्धांत बता दिया, योनि मतलब कारण, उद्गम स्थल, स्रोत। तो एतद्यो, ये दोनों मेरी पर प्रकृति और अपर प्रकृति दो योनियां हैं, इन्हीं दोनों से ये अनंत ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत, ये प्रपंच दिख रहा है, उत्पन्न हुआ है, इन्हीं में स्थित है, इनमें विलीन हो जाएगा, और मुझसे भिन्न कोई कारण नहीं, अगले ही सूत्र में बोल देंगे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्योपधारये, उपधारे जानो हे अर्जुन, तुम ये जानो कि सर्वाणि अनंत ब्रह्मांड को अनंत काल से मैंने ही इन्हीं योनियों से, इन्हीं दो शक्तियों से, ये जो मेरे मूल कारण, इन्हीं से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, इन्हीं में स्थित रहते हैं, इसमें विलीन हो जाते हैं, और वह कौन हूं? अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्णस्य का मतलब सारे जगत का मूल कारण मैं ही हूं। यहां पर मैं शब्द का जो विवेकानंद की बात कल बताई थी, याद करना वो बात, कि यहां पर देवकी नंदन यशोदा नंदन नहीं बोल रहे हैं तो भटक जाओगे। देवकी नंदन गए द्वापर काल में ही, उनके कुल वंश वालों ने मार दिया तीर, जानते हैं ना उनकी कथा। यहां शुद्ध चेतन सचिदानंद तत्व की बात हो रही है, जो अभी आपके अंदर भी उपलब्ध है, वह बोल है भगवान उवाच
अहम, यहां पर ये एक घंटा आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं कहां से, यही समझाने के लिए कि वह कृष्ण कोई और नहीं, वह मूल कारण तुमसे इतर कोई और नहीं। अगर कृष्ण मूल कारण है और उसे ब्रह्मांड का, तो मेरा क्या लेना देना है, वो कृष्ण कोई और नहीं, वो मूल कारण कोई और नहीं, शुद्ध चैतन्य के रूप में तुम ही हो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा, उत्पत्ति प्रलय विनाश सर्व सर्वस्व का, कि उत्पत्ति और विनाश का मैं ही मूल कारण हूं। वो कौन सा मैं का क्या तत्पर्य है, प्योर कॉन्शियसनेस, सत चित आनंद, ये प्रज्ञान सत्ता, अभी जो श्रवण का अधिष्ठान है और वक्ता की इस वाणी का भी, इस बुद्धि का भी अधिष्ठान है, वही कृष्ण का तात्विक स्वरूप है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसी से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, उसमें स्थित है, उसमें विलीन हो जाता है। अब बोला कि इसमें समय लेंगे, अब इसके माध्यम से अभी नग्न दर्शन करेंगे हम, कुछ भी उठा लो। अब मुझे बताओ कि ब्रह्म नहीं दिख रहा है तुम्हें, अब चुनौती दे रहा हूं। देखो ये टेबल बना है काठ से, तो समझ में आ गया कि चलो तत्व दृष्टि से तो ये काठ ही है, ये तो नाम है ना एक भाई। ये बहुत सारे देखा होगा आजकल ऑफिस में बड़े बड़े टेबल होते हैं दिन में, डाइनिंग टेबल, वो सर्वेंट या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उस ऑफिस के, उसी पर बेड बना के सो जाते हैं रात में, बॉस होता नहीं, कोई नहीं होता है। तो उपयोगिता के लिए तो टेबल एक बात बन गई, लेकिन तत्व कुछ भी नहीं है। हार हो, कंगन हो, जो कुछ भी हो, वो तो सोना का सोना ही है। तो अभी भी ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी अनुभूति में आ रहा है, सब इन दोनों से परे नहीं है उसका। और ये कल इसलिए पहले ही बता चुका हूं, जो नाम रूप है वो जड़ प्रकृति अर्थात मेरी अपर प्रकृति है, माइक प्रकृति है, और मेरी परा प्रकृति, मूल प्रकृति, दिव्य प्रकृति क्या है, सत चित आनंद। सरस्वती रहस्योपनिषद का जो बताया ना, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चित्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्मरूपम जगद्रूपम तत्वद्वयम, यहां से प्रारंभ किया था मैंने। साक्षात ब्रह्म दर्शन यहीं पर, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, नाम रूप जान लो कि मेरी तत्व बता रहा हूं। ये कृष्ण यही बात कर रहे हैं, श्लोक अलग है लेकिन निहितार्थ वही है, कि जो मेरी अपर प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति नाम रूप में दिख रही है, जो बंधनकारी है, अमंगलकारी है, दुखदायिनी है, अशुद्ध प्रकृति है, लेकिन मेरी ही प्रकृति है ये भी। और मेरी जो परम परा प्रकृति, वो चैतन्य प्रकृति है, यानी दृष्टा, सभी जीवों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है। ये दो तीन दिन अभी चलेगा, उसके बाद वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में स्पष्ट उद्घोष करेंगे कि जो जानने वाला है, बोध करने वाला है, वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सभी शरीरों के अंदर क्षेत्र अर्थात जो जानने वाला अर्थात चेतन तत्व मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे इतर कोई नहीं है, वह पर प्रकृति। अब मुझे वो वस्तु दिखाओ और कोई अनुभूति दिखाओ जहां पर ये अनुपस्थित है, दोनों चुनौती दे रहा हूं। ये फैन दिख रहा है, ये मकान दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, ये प्रकाश दिख रहा है, जहां कुछ भी आपको जड़ दिख रहा है, माइक साक्षात दिखेगा वो नाम रूप, और वहां पर सच्चिदानंद चैतन्य सत्ता उसको देखने वाला, ये अभी और जड़ विकारी है, उत्पन्न होता है। निकृष्ट प्रकृति क्यों कहा, इस माया की उत्पत्ति, क्योंकि वो विकारी है, लेकिन मेरी पर प्रकृति अविकारी है, नित्य है, मंगलकारी, क्योंकि चेतन सत्ता है। अब इस ये आम भाषा में कहूं तो कह रहे हैं कि जड़ और चेतन, ये जो मेरी दो प्रकृतियां हैं, सर्वत्र ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम्हें उत्कृष्ण कृष्ण दिखे, ये दोनों तुम्हें दिखेंगे, दोनों तुम्हें दिखेंगे। नाम रूप जड़ हो गया अर्थात मेरी अपर प्रकृति, और उस नाम रूप का अधिष्ठान जो देखने वाला है। अब यही देखो, तुम अपने पर देखो। अब ये पहले लोगों को, मुझे भी नहीं समझ में आता, शाह मूर्ति दिख रही है, एक नाम है, एक रूप है, लेकिन सच्चिदानंद कहां है? तो सच्चिदानंद कहते हैं कि दृष्टा,
अरे कहां उसमें दर्द, अरे गधा तू है वो, ओ सच्चिदानंद घन तू है, तू देख रहा है, तेरे एक अद्वितीय दृष्टा में ही अनंत मूर्ति अनंत ब्रह्मांड सतयुग द्वापर त्रेता सब दिखते हैं, आते हैं जाते हैं, सूर्य लोक चंद्र लोक अनंत काल अनंत लोक आए गए, तू एक अद्वितीय दृष्टा है, तू ही सिद्ध कर रहा है इस जड़ को भी, तू ही सिद्ध कर रहा उस चेतन को भी, तेरे इतर न कुछ था न है न होगा। मैं एक मिनट आप लोगों को समय देता हूं, दो मिनट कभी भी मुझे रोक दो कि मुझे यहां सच्चिदानंद नहीं दिख रहा है या मुझे माया नहीं दिख रही है, यही ब्रह्म। अभी जो आज का जो YouTube पर जो डाला है टाइटल दिया कि ब्रह्म और माया दोनों का एक साथ नग्न दर्शन, और यही नग्न दर्शन है और यही ब्रह्म दर्शन है। दोनों ब्रह्म दर्शन कराने वाले वाक्य तो बहुत हो, लेकिन सारे वेद भी पढ़ी तरह कि इसी से इंस्पायर्ड है, इसी श्लोक से कि ब्रह्म भी दिख रहा है माया भी दिख रही है, और अभी दिख रही है यही दिख रही है सदा दिख रही है, माया किस रूप में अर्थात अपर प्रकृति मेरी किस रूप में, नाम रूप में दृश्य रूप में, और सच्चिदानंद दृष्टा के रूप में, बोधा के रूप में, देही के रूप में, शरीरी के रूप में। शरीर को देखने वाला कौन, शरीरी। देह को देखने वाला कौन, देही। जड़ को सिद्ध करने वाला कौन, चेतन। वह चेतन सत्य मैं हूं, मैं कहां अनुपस्थित हूं, सूर्य मुझ में चंद्र मुझ में, मैं सूर्य में हूं कि मैं सूर्य में हूं कि सूर्य मुझ में है, ये प्रश्न देखो। क्योंकि शरीर युग युग से हमने मान रखा है, दूसरा प्रश्न करता हूं थोड़ा सा हल्का, संसार मुझ में या कि मैं संसार में, हमने युग युग से शरीर मान रखा है तो सब यही बोलेंगे कि भाई अरे मैं तो एक आदमी हूं यहां पर, संसार इतना बड़ा है, मैं तो संसार में हूं। ये देह दृष्टि है, जड़ दृष्टि है, अज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि से चेतन मान करके देखो कौन सा ब्रह्मांड मुझसे परे है, सूर्य मुझ में चंद्र, द अवेयरनेस ऑफ सन, द अवेयरनेस ऑफ मून, द अवेयरनेस ऑफ गैलेक्सीज, एवरीथिंग अराइजेज इन मी, एग्जिस्ट इन मी, डिजॉल्व्स बैक इन मी। मेरी चेतन सत्ता मेरे उदित होने पर, मेरे उदय होने के पश्चात सूर्य का उदय होता है। सुनिए ध्यान से, ये अनंत ब्रह्मांड मेरे बिना मृत है, अस्तित्व है, मेरे होने पर, मेरे होने के बाद ये अस्तित्व में आता है। उपनिषद का उद्घोष, उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक बोलने जा रहा हूं इसको सिद्ध करने के लिए कि अभी यही सूर्य चंद्र अनंत लोक मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनसे भी परे हूं, वह निरत से बृहत ब्रह्म हूं। इसके लिए जो एक श्लोक बता रहा हूं वो एकमात्र ऐसा श्लोक है उपनिषद का, 108 उपनिषद में, जो तीन उपनिषदों में आया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, वो श्लोक ये है। यही बताते हुए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नीमा विद्युतो भान्ति कुतः अयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तमेव भासा सर्वमिदं विभाति तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। मैं वही तत्व हूं, कौन सा तत्व, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः, मैं वह चैतन्य प्रकाश हूं जिसमें और जिसको न चंद्र प्रकाश, न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित कर सकते हैं, न तारा प्रकाश कर सकते हैं, न विद्युत प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं, न अग्नि प्रकाश की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इन सबों को प्रकाशित कौन करता है, मैं स्वयं हूं चैतन्य प्रकाश के प्रकाशित होने से, और मेरे प्रकाश से सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाश सब प्रकाशित होते हैं, मैं वह चैतन्य प्रकाश हूं। मेरे होने से सूर्य, मेरे होने से चंद्र, मेरे होने से अग्नि विद्युत, मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे पहले मैं हूं, सबसे बाद मैं हूं, मैं एकमात्र नित्य वस्तु हूं, चैतन्य सत्ता हूं, प्रज्ञानं ब्रह्म।
सूर्य जड़ है, चंद्र जड़ है, विद्युत जड़ है, अग्नि जड़ है, आकाश गंगा जड़ है, मैं एकमात्र चेतन सत्ता हूं और चैतन्यम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं एक शाश्वत सनातन सत्य हूं। ये अनंत स्वप्नमत जड़ जगत मुझ में उत्पन्न होता है, आता है, जाता है, नाम रूपक, जहां नाम है रूप है, सूर्य भी नाम रूप, चंद्र नाम, ये मुझे नहीं जान सकते, मैं इन्हें जानता हूं, ये मुझ में कल्पित हैं, ये मुझे कल्पना नहीं कर सकते। वह तत्व मैं हूं, वह सचिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, ये पर प्रकृति कृष्ण की है। जो कह रहे हैं कि अब मुझसे इतर क्या है बताइए, ये एक ही कि मुझसे ये अनंत जगत उत्पन्न हो रहा है, अब मुझसे मेरे उत्पन्न तस्य भासा सर्वमिदं चैतन्य प्रकाश के बाद सुबह में जगते हो तो क्या सबसे पहले क्या बोध होता है, कौन दिखता है, है? इतना तो समझ है सबको ना, मैं वो चैतन्य प्रकाश, कोई नहीं, पत्नी है, आलिंगन बद भी पत्नी के साथ, पति के साथ, संतान गोद में भी है, फिर भी पहले चैतन्य जगेगा, उसके बाद ही कोई बोध जगेगा, कुछ हो नहीं सकता। ये जिसको घट जाए, समझ में आ जाए, ये बात मुझे हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी के ग्रंथ की दिल्ली में ही 2-3 साल पहले जब कर रहा था तो मैं रोमांचित हो गया उतनी स्पष्टता से, निरत से बृहत ब्रह्म का दर्शन कि सबसे पहले और सबसे अंत में मेरे मैं के होने के पश्चात ही कोई भी कुछ भी आता है, वह मैं ही तो चैतन्य है, वही तो नित्य ब्रह्म है और उसका लोप कभी नहीं होता, उसके बोध का भी लोप नहीं होता, यही तो सच्चिदानंद है, वही परम तत्व है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही शिव है, वही सर्वस्व है, वह एक अद्वितीय है, नाम अनंत दे दिए गए हैं, वही मैं हूं, वही तुम हो। एक और श्लोक ले लेते हैं, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, 7वें श्लोक को। स्वप्न में मैंने जो हाथी देखी, घोड़ा देखा, कुरूप औरत देखी, खूब सुंदर औरत देखी, मेरा दुश्मन देखा, मेरा मित्र दिखा, वो कौन था, सब मेरा बना था। मैं डिबेट बचपन में स्टूडेंट के रूप में करता था, तो अभी भी शास्त्रार्थ में करता हूं, स्वप्न में मैं संन्यास जब लिया उसके 2 साल बाद एक बार स्वप्न में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आए और मुझे घटना भूलती नहीं है, देख करके रोमांचित हो गया और मैं अंग्रेजी में ही पढ़ता, वेदांत भी पढ़ा, तो अंग्रेजी तो मैंने बोला दिमाग में, उसमें स्वप्न में भी बोल था, अरे इनके सामने तो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो, एक बोल गए तो करपात्री जी बिल्कुल वैसे ही, करपात्री जी बोले डोंट वरी आई नो इंग्लिश, अब देखो करपात्री जी महाराज कौन बना था और इंग्लिश उस मुख से भी निकल रहा था। मैं जब सुबह में उठा तो मेरा मैंने जीवन बदला हुआ था। फिर एक बार यही की घटना है, रमन महर्षि जब गुरुदेव मिले थे उसके बाद बड़ी घटना घटी थी, तो उसी समय कालखंड की बात है, तो रमन महर्षि का अध्ययन कर रहा था तो स्वप्न में देखा, अच्छा मैं पहुंचा हुआ हूं, और मुझे उस समय सबसे बड़ी शंका होती थी कि मुझे वो परमानंद की अनुभूति बिल्कुल अखंड रूप से क्यों नहीं होती थी, मुझे थी लेकिन अखंड क्यों नहीं हो रहा है, ये दिव्य रमन महर्षि वगैरह जैसे रामकृष्ण परमहंस, तो रमन महर्षि वहां पर दिखाई पड़े, बड़ा अद्भुत जो मुझे दिव्यता की अनुभूति वाली बात थी, तो देखा कि अच्छा बहुत बड़ा सभागार जैसे दिल्ली वगैरह ऑडिटोरियम में कर रहा था, तो ऐसा ही कुछ बड़ा दिव्य ऑडिटोरियम थी और बहुत से संत बैठे थे, लग रहे थे दिव्य दिव्य बड़े विद्वान लोग उनके श्रोता के रूप में, तो मैं पीछे दिख रहा वहां पर हूं और कोई बोल रहा कि आप आगे चले जाओ, तो मैं बोला नहीं 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 वो तो बड़े 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 संत लोग बैठे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो रमन महर्षि बोले अरे नहीं 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 तुम आओ आओ तुम हमारे सामने बैठो। रमन महर्षि वहां पर कौन बन गया और बोल कौन रहा था, मैं ही वहां पर, तो स्वप्न की बात हो तो मन का ही, इसलिए क्या बता रहा हूं, मेरे इतर कुछ नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे भिन्न कहीं किसी की कोई संभावना नहीं थी, ये तो अनुभूति इन देखो, चूंकि सुबह से शाम तक गहन चिंतन करते रहता था तो दूसरे भी तो स्वप्न आ सकते थे, तो कभी मेरे गुरुदेव स्वप्न में आते थे, कभी रमन महर्षि आते थे, कभी करपात्री जी महाराज, तो उस बात पर मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा देखो इंग्लिश जब स्वप्न टूटा तो हाँ करपात्री जी अंग्रेजी में बात रहे थे, मिले थे, फिर मैं सोचा अरे मूर्ख क्या बात कर रहे हो, मुझे समझने में टाइम लगा 10 मिनट याद होने पर भी,
नहीं नहीं वो तो अंग्रेजी थोड़े बोलते थे, थोड़ा थोड़ा जानते थे, वो तो संस्कृत में बोलते थे, वो तो हिंदी भी नहीं बोलते थे। अब वहां पर प्रश्न करो, संवाद मुझसे जो कर रहा था वो कहां से आ गया? अविश्वसनीय घटना घट रही मेरे से। जब रमन महर्षि बोल रहे हैं उस अपने मुझे कि नहीं नहीं तुम, मैं बोला कि नहीं मुझे पीछे बैठे दिए, तुम बड़े बुजुर्ग संत, बोले नहीं नहीं तुम सबसे मुझे करीब आओ, तुम बड़े प्रिय हो, आ जाओ मेरे साथ नजदीक बैठो। वो तो मुझसे द्वैत सत्ता वहां पर तो लग रही है, लेकिन वह द्वैत सत्ता बनी कौन सी थी? उसी वक्त खुल गई है ग्रंथि, जो अंतिम ग्रंथि थी खुल गई क्या? तो मुझसे यही तो कृष्ण कह रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं असले श्लोक में सातवें में मता, इसी को जो बात बता चुका हूं आपको रस, उसी को श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। मतः परतरम नान्यस्किंति जस्ते धनंजया, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही लोकप्रिय श्लोकों में से भगवद गीता के है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव, सूत्रे मणिगणाइव। हे अर्जुन, मुझसे इतर मुझसे भिन्न कोई अन्य मूल कारण नहीं है इस जगत का, मैं समस्त जगत का मूल कारण हूं, जो कि बता चुके मेरी पर प्रकृति और अपर प्रकृति, ये दो जोनियां हैं, ये दो कारण हैं, मुझसे इतर कोई, हिज रिफ्यूटिंग विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड टोटल कन्विक्शन, ये बताने के लिए शिष्य को कि नहीं, कहीं भी किंचित मात्र भी कभी भी कदापि कोई मुझसे अन्यत्र कारण है ही नहीं। जब मुझसे अन्यत्र कारण नहीं तो कार्य कहां से हो जाएगा? निष्पत्ति कैसे? मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, किंचित किंचित मात्र भी, नॉट इवन अ सेम्ब्लेंस। क्यों? मई, मैं ही, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे ही ओतप्रोत है, सूत में धागे में जिस प्रकार से मड़ियां पिरोई हुई होती हैं, उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड मुझी में गुथा हुआ है, अनुसूत, ये शंकराचार्य के शब्द, अनुसूत है, समाविष्ट है, गुथा हुआ है, बिंधा हुआ है, ये शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही गुथा हुआ है, बिंधा हुआ है, अनुसूत है, उपलब्ध है, मुझसे इतर कहीं नहीं है।